हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोइस सर्च लेक्चर। फ्रेंड्स, आज हम नाइन्थ क्लास से जो ट्राइंगल्स चैप्टर है, सेवेंथ चैप्टर, उसकी थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे। देखिए, सबसे पहली जो एनसीईआरटी में एक थ्योरम है, यानी कि वो थ्योरम नहीं है, एक्सियम है। एक्सियम और थ्योरम में क्या फ़र्क होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। एक्सियम सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है जो यूनिवर्सल ट्रुथ मान लिया जाता है, लेकिन जिसका कोई प्रूफ नहीं होता। ठीक है, एक्सियम उसे कहते हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं होता है, बट उसे हम यूनिवर्सली ट्रुथ मान लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ही जो पहली यहाँ पे एक्सियम दी हुई है एनसीईआरटी ने, वो दी है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल एक एक्सियम है, इसीलिए उसका एनसीईआरटी ने प्रूफ नहीं दिया है। बट आज हम उसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि आरएस अग्रवाल ने उसका प्रूफ एक छोटा सा दे रखा है, तो उसे मैं आज आपको समझा देता हूं कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट क्या कहता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल का। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैंने यहाँ पे ट्राइंगल्स भी बना रखे हैं, एबीसी और डीईएफ। ठीक है, आप देख सकते हैं एबीसी और डीईएफ दो ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, यानी कि पहले ट्राइंगल की दो साइड और उनके बीच में आने वाला एंगल, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन देम, ठीक है, इनके बीच में आने वाला एंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स और उसमें बीच में आने वाले एंगल की इक्वल है, तो स्टेटमेंट समझ में आ गया। एक ट्राइंगल की जैसे ये वाली साइड है वो इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और इन दोनों के बीच में आने वाला जो ये एंगल है वो इन दोनों साइड्स के बीच में आने वाले एंगल के इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर, ये था स्टेटमेंट। इसीलिए देखिए, हम इसे पढ़ते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। साइड एंगल साइड हमेशा कॉन्ग्रुएंसी के जो रूल होते हैं वो कंटिन्यूअसली देखे जाते हैं, ये चीज मैंने पहले बता दी अपनी कई सारी वीडियोस जो पोस्ट की हैं, उनमें मैंने सब कुछ इसका इंट्रोडक्शन से लेके सब कुछ दे रखा, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो अब हम इसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले गिवन, आपको इसमें क्या गिवन है, हमें इसमें दो ट्राइंगल्स गिवन है, ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ, सच दैट इस तरीके से, किस तरीके से कि ए बी डी के इक्वल है, ए बी डी के इक्वल, उधर से ए सी किसके इक्वल है, डी एफ के, ठीक है, और एक एंगल एंगल डी के इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। क्लियर फ्रेंड्स, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एफ। ठीक है, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है, कॉन्ग्रुएंट है ये दो ट्राइंगल्स, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये एक एक्सियम है, तो इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, बस मैथमेटिकल तरीका नहीं। तो देखिए, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट क्या फिगर्स होते हैं, आपको समझाया था कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, जिनका शेप और साइज एक जैसा होता है। मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल को इसके ऊपर उठाकर रख दूं तो ये मुझे एक ही ट्राइंगल दिखेगा दोनों साइड से, क्योंकि इसकी शेप और साइज एग्जैक्ट इक्वल होते हैं, तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, तीनों साइड्स इक्वल होंगी, उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, जो सारे तरीके से जो है सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं सारे, ठीक है, साइड्स एंगल सब कुछ इक्वल होता है। तो मैं इस ट्राइंगल को इसके ऊपर प्लेस कर रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल डी एफ के ऊपर प्लेस कर रहा हूं, तभी तो हम कह सकते हैं दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। प्लेस ट्राइंगल ए बी सी ओवर ट्राइंगल डी एफ सच दैट, हमने ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल डी एफ के ऊपर प्लेस कर दिया सच दैट, इस तरीके से कि जो एंगल ए है A falls on D, A जो है वो A D के ऊपर fall करेगा, ठीक है, and AB falls along DE, A D के ऊपर fall होगा तो AB जो है वो DE के ऊपर fall होगी, ठीक है, DE के along fall होगी। क्लियर, अब देखिए ऐसे इससे इससे क्या होगा,
ए इसके ऊपर फॉल हो गया, ए भी इसके ऊपर फॉल हो गई, बट यहां पर देखिए ए बी डी के इक्वल है, सिंस ए बी इक्वल टू डी। अब एक बात बताइए, जब मैं इस साइड को इसके ऊपर जो फॉल करा रहा हूं, इसके अलोंग फॉल करा रहा हूं इसको, और अगर ए बी डी के इक्वल होगी, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये बी कहां पर फॉल होगा, ई पर, सही है ना। अगर ए डी पर फॉल हो रहा है और ये साइड अगर इसके बिल्कुल इक्वल है, तो बी कहां पर फॉल होगा, ई पर। सो बी फॉल्स ऑन ई, ठीक है, बी जो है वो ई पर फॉल होगा, ठीक। अब सिंस, अब हमारे पास कौन सी साइड और इक्वल है, हमें दिया है एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, दिया है ये रहा गिवन, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, हमारे पास ये गिवन है कि एंगल ए एंगल डी के। अब आप एक बात बताइए, अगर इनका इंक्लिनेशन ये दोनों इक्वल होंगे, यानी इंक्लिनेशन ही तो, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो यहां से जो रेज निकल रही है इनिशियल रेज, यानी कि ए सी और डी एफ, वो एक दूसरे के ऊपर फॉल करेंगी, सही है। अगर एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, ए डी के इक्वल है, सो ए सी विल फॉल अलोंग किसके, डी एफ के, ए सी जो है वो डी एफ के अलोंग फॉल होगी, लेकिन ए सी तो हमें डी एफ के इक्वल दी है गिवन में, कि ए सी डी एफ के इक्वल है, बट ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ए सी तो डी एफ के इक्वल है। और आप एक चीज देखो, अगर ए सी जो है इस पर फॉल हो रही है और ये इसके इक्वल भी है, तो ये लास्ट वाला जो पॉइंट है सी, वो कहां फॉल होगा, एफ पर, यानी कि एफ पर जाके कोइंसाइड कर जाएगा, तो सी, सो सी विल फॉल ऑन एफ, सी जो होगा वो कहां पर फॉल करेगा, एफ पर, क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। आप चाहे तो इसे नोट कर लीजिएगा, मैं रब कर दूंगा, पॉज करके कर लीजिएगा, जो है वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, सी जो है कहां पर फॉल होगा, एफ पर, क्लियर। चलिए अब आगे देखिए, अब फ्रेंड्स सी जो है एफ पर फॉल हो रहा है और ए सी जो है वो डी एफ पर जो है अलोंग पड़ी हुई है, ए सी जो है वो डी एफ के अलोंग पड़ी है और सी एफ पर फॉल हो रहा है, ए डी पर फॉल हो रहा है, तो एक तरीके से ए सी जो है वो डी एफ को क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड क्या होता है, जैसे एक लाइन है, मैं एग्जैक्टली इसी के इक्वल में एक और लाइन बना दूं जस्ट इसी के ऊपर, तो इसे हम कहेंगे टू लाइंस आर कोइंसाइडिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, दो लाइन है लेकिन दिखेंगी एक ही, ठीक है। ऐसे ही ए सी डी एफ के ऊपर गिरी हुई है और ए डी के ऊपर फॉल कर रहा है, ए सी डी एफ के अलोंग फॉल कर रही है और सी एफ पर, यानी कि मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ए सी विल कोइंसाइड विद डी एफ, सही है। ए सी जो होगी वो डी एफ के साथ क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी। अब आप एक बात बताइए, जब बी पॉइंट ई पर फॉल हो रहा है, सी पॉइंट एफ पर फॉल हो रहा है और ये ए सी जो है डी एफ को कोइंसाइड कर रही है, तो जो बी सी होगी वो भी तो ई एफ को कोइंसाइड करेगी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं एक दूसरे को यहां पर फॉल हो रहे हैं, ये हम प्रूव कर चुके हैं, तो ये पूरी बी सी जो होगी वो भी तो ई एफ को कोइंसाइड करेगी, देयरफॉर बी सी कोइंसाइड विद ई एफ, सही है। अब आप एक चीज देखिए, ए बी डी के ऊपर फॉल हो रही है एग्जैक्टली बिल्कुल इक्वल, ए सी डी एफ को कोइंसाइड कर रही है, बी सी ई एफ को कोइंसाइड कर रही है, यानी कि तीनों साइड अब जब एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता, सो ट्राइंगल ए बी सी विल कोइंसाइड विद ट्राइंगल डी ई एफ, तो ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो डी एफ को भी तो कॉन्साइड करेगा, और अगर कॉन्साइड करेगा तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ,
भाई अभी आपको मैंने डेफिनेशन दी कोइंसाइड करने का मतलब, यानी कॉन्ग्रुएंट क्या फिगर्स होते हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल कोइंसाइड कर लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाते हैं। अगर ये दोनों दोनों फिगर्स एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फिट हो रहे हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। तो ये थी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल का प्रूफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आप मेरी सारी वीडियोस देख सकें। थैंक यू।